सिद्धू मूसेवाला मर्डर में तीन गन का यूज हुआ है, जिसमें से एक A91 एशियन एसोल्ट राइफल्स थी। इट्स रियली शॉकिंग कि इतनी रेयर गन ऐसे ही कैसे अवेलेबल हो जाती है। वैसे आपको बता दूं कि पंजाब में किसी भी तरह की लड़ाई व झगड़ा में जमीन हो या कोर्ट केस मामला गन के थ्रू ही हैंडल होता है। आपको बता दूं कि पूरे इंडिया की मात्र 2% पॉपुलेशन ही पंजाब में रहती है। बावजूद इसके हर प्राइवेट 5 में से एक गन पंजाब के नाम रजिस्टर्ड है, मतलब पूरे इंडिया का 20%। हालात ये है कि जितनी पंजाब में पुलिस के पास आर्म्स है, उससे 15% ज्यादा लोगों के पास आर्म्स यानी हथियार मौजूद है। इसकी एक वजह है क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अपने लाइसेंस पे 2 या 3 गन ले रखी है, और ये तो सिर्फ लाइसेंस गन के आंकड़े हैं, इनलीगल तो इनसे भी कई ज्यादा होंगे। लेकिन पंजाब में ऐसा गन कल्चर आखिर क्यों है? इसकी पहली वजह है फिरोजपुर सिटी, जो कि पंजाब के अंदर ही है। यह एक ऐसी जगह मानी जाती है जिसे इनलीगल वेपन का हब भी कह सकते हैं। ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे है, जहाँ काफी गैर कानूनी काम व स्मगलिंग्स होती है। कहा जाता है कि यहाँ 1.50 लाख में मशीन गन भी अवेलेबल हो जाती है। दूसरी वजह है मिलिटेंसी ऑफ 1980s, जिसकी चर्चा आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं। तीसरी वजह है पंजाबी पॉप सॉन्ग, जिसमें गन का ऐसा कल्चर दिखाई देता है जैसे कि वो उनके कल्चर का ही हिस्सा हो। जब बात आर्म्स और ड्रग्स की हो तो पंजाब का नाम टॉप पर इसलिए ही आता है। तो गाइस, आपको इस वीडियो से कैसे सीख मिली और आपके क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।